हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सारी चीज़ों का ध्यान दे रहे होंगे। तो आज है सैटरडे का दिन और जो टॉपिक हमारा होता है सैटरडे के लिए वो होता है उनकी करेंट फीलिंग्स। ओके, तो ऑफकोर्स आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो पर्सन आपके पार्टनर हैं, कोई भी हो सकता है, वो पर्सन आपके लिए प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। ओके, सो आज है उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे रखे हैं तीन पाइल्स, वाइट, ऑरेंज एंड पिंक। आपको इन तीन पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर जब मैं उसकी रीडिंग करूँगी आपको उस रीडिंग को सुनना है और अपने अकॉर्डिंग आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ अच्छी एडवाइजेस लेके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की, फिर ऑरेंज पाइल की और सबसे लास्ट में पिंक पाइल की। तो हम इसे हटा देते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग्स आती हैं। ओके, चलिए। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, नमस्कार। ये एक जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो डू नॉट वरी। ओके, सो ये कुछ गाइडेंस कार्ड्स हैं और ओरेकल कार्ड्स हैं जो आपके लिए हैं, जिसे हम लास्ट में निकालेंगे। ओके, तो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, राइट? यही आपका क्वेश्चन है और यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक। तो देखिए, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है प्रेजेंटली, ओके, मैं हमेशा इस एनर्जीज को अपडेट करती रहती हूँ, प्रेजेंटली वो पर्सन कहीं ना कहीं, ओके, तो जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उनकी करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, थोड़ा या कर रही हैं अपने ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर, अपने इमेज के ऊपर, अपने ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, या वो कैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, जिम जाना या इन सारी चीज़ों के ऊपर, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। ओके, क्योंकि वो अपना सेल्फ केयर भी इस पूरे चीज़ों के क्रम में कर रहे हैं। ओके, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, अपने गोल्स के पीछे ये पर्सन भाग रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ओके, आप जिस पर्सन के साथ हो उस पर्टिकुलर पर्सन में एक चीज़ है कि आप दोनों, थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम होगा आप लोगों के अंदर। ओके, दोनों ही बहुत आसानी से एक दूसरे के लिए नहीं झुक पाते होंगे। मतलब आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार वाई मी, ऑलवेज मी, मतलब बहुत टाइम पर आप झुके होंगे, क्योंकि इनके साइड से झुकने की जो एनर्जीज है या बेंड करने की एनर्जीज है वो बहुत कम है। तो आप थोड़े थोड़े टाइम तक ये चीज़ करोगे कि हाँ आप अपने साइड से फुल ऑन डेडिकेशन दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा वाई मी, वाई ऑलवेज मी। ओके, काफ़ी कंपैरेटिव, काफ़ी मतलब कंपैरेटिवली आप लोगों की फिजिकल एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, तो इस पर्सन का फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इमोशनल अटैचमेंट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, मगर हाँ, एक जो रिलेशनशिप में होते हुए आप चाहोगे कि ये अपनी एनर्जी, मतलब आपको एज अ पर्सन, एज अ कंपेनियन अपने साथ प्रेजेंट करें, अपने साथ दिखाएं, तो वो चीज़ नहीं होगी, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होगी, मगर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मिलना जुलना, रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करना, रोमांस शेयर करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती होंगी। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग,
वो इस पूरे सिचुएशन को, आपके जो पार्टनर हैं, जो भी अपोजिट, मतलब जिससे भी आप प्यार करते हो, वो पर्सन इस चीज़ को काफ़ी, मतलब इस रिलेशनशिप को काफ़ी कंट्रोल में रहना रखना चाहता है, क्योंकि देखिए ये उनकी करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए. ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी. तो काफ़ी एक ग्रिप वाली सिचुएशन वो रखना चाहते हैं, मगर इस चीज़ को वो एडमिट भी नहीं करेंगे. ओके, वो ऐसा कभी दिखाएंगे नहीं या कभी कन्फेस नहीं करेंगे कि हाँ वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, वो ये चीज़ कभी नहीं दिखाना चाहेंगे. दूसरी बात है, बहुत प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं. तो अगर आपसे बहुत ज़्यादा, मुझे तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो हो सकता है कॉल कर रहे होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इस पूरे सिचुएशन से बिल्कुल बाहर नहीं है, तो वो कॉल कर रहे होंगे, मैसेजेस कर रहे होंगे, या फिर थोड़ा स्टॉक करने की एनर्जीज है. मगर आप जितना ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हो ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपके साथ. दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं इस पर्सन के, मतलब पैसों का कुछ चक्कर है. ओके, अब हो सकता है उनके बैंक अकाउंट में पैसे कम हों, उनके नीड्स ज़्यादा हों, या पैसे जो पास्ट में आए वो निकल गए, पैसे जो आने वाले थे वो अभी तक आए नहीं हैं. तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो माइंड में काफ़ी रिवॉल्व कर रहा है कि व्हाट अबाउट दी मनी. ओके, काम तो उन्होंने कर दिया, काम तो ऐसा होगा कि उन्होंने अपना काम पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया होगा, तो व्हाट अबाउट दी मनी, अब मनी का क्या होगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें. अब देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस पर्सन के जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसमें हाँ कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कंट्रोल करने की फीलिंग ज़रूर है, डोमिनेट करने की फीलिंग ज़रूर है. तो हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी डोमिनेट करना चाहें, काफ़ी कंट्रोल करना चाहें. कंट्रोल इनको ऐसे भी करना पसंद है, ये इस टाइप के लोग अपने लाइफ में अपना कंट्रोल जनरली किसी और को भी नहीं देते हैं. ओके, तो वो चीज़ इन्हें पसंद है. ओके, नाउ लेट मी टेल यू, ये पूरा सिचुएशन जो मैंने आपको कहा ना कि ये पूरा पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से अब कंट्रोल करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन्स को पीछे छोड़ना चाहते हैं, जो चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उसको हटाना चाहते हैं, और जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं उसके ग्रोथ में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो ये सारे अपने पुराने हैबिट्स और पुरानी चीज़ें जो रिलेशनशिप में हो रही थी, उनसे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा निकलते हुए नज़र आएंगे. ओके, एक अलग ही एनर्जी पे नज़र आएंगे, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी पे नज़र आएंगे. ऐसे सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन अपने न्यू जॉब के लिए, अपने न्यू कमिटमेंट्स के लिए, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी आगे बढ़ेंगे. दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जितना कंफर्टेबल वो चेहरा आपको दिखा रहे हैं, जितना कंफर्टेबल वो दुनिया सोसाइटी को अपने आपके बारे में बता रहे हैं, उतने ज़्यादा चिल और उतने ज़्यादा कूल ये प्रेजेंट एनर्जी में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें भी परेशान कर रही हैं, लेकिन ये उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी किसी के केस में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो भी केसेस आएंगे मैं आपको बताऊंगी, किन्हीं किन्हीं लोगों के केस में यहाँ पे ये रिलेशनशिप हो सकता है एंड की एनर्जी पे भी रन कर रहा. ओके, चीज़ें ख़त्म हो रही हों, मगर यहाँ पे आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि चीज़ें अगर आपके लिए ख़त्म भी हो रही हैं, तो ये पर्सन फिर से इस पूरे रिलेशनशिप को न्यू बिगनिंग के लिए, नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप लोगों की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. हाँ, लेकिन जब रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा तो बिल्कुल एक नए मायनों के साथ स्टार्ट होगा, नए वे से स्टार्ट होगा, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड चीज़ों के साथ स्टार्ट नहीं होगा. जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी आपका दुख है, वो सारी चीज़ें देखिए अभी वो नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज उनका माइंड थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड है और चीज़ों पे. ओके, और चीज़ों पे इन द सेंस कि मनी पे, वर्क पे. ओके, अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाए गए और वो पैसे जाके फंस गए, किसी ने ले लिया, वो दे नहीं रहे हैं. ओके, तो अपना पैसा होते हुए भी जब अपने हाथ में नहीं होता है तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो इस चीज़ को अभी झेल रहे हैं. ओके, और काफ़ी कड़ी मेहनत करी होगी इस पर्सन ने, काफ़ी अनकंफर्टेबल भी रह करके वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहे, तो अब कहीं ना कहीं ये अपने इस पेन को दिखा नहीं रहे हैं इनकी करंट फीलिंग्स में. ओके, ये अपने पेन को दिखाना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते कि हाँ देखो मैं इतने पेन में हूँ, मुझे सिंपैथी दो. इनका ये जिस सेट ऑफ माइंड में है, तो ये हो सकता है अपना जॉब भी चेंज कर लें, या अभी तक कर भी लिया होगा इन्होंने अपना जॉब चेंज, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रही होंगी, अच्छी नहीं लग रही होंगी चीज़ें, इनको पसंद नहीं आ रही होंगी चीज़ें फॉर दैट मैटर.
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हैं। अदर देन दैट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारी फीलिंग्स हाइड की जा रही हैं करंट फीलिंग में। ओके बहुत सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं लेकिन ना वो उस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं और ना ही वो उस चीज़ को किसी को बताने में इंटरेस्टेड है। ओके तो ज़रा सा भी इनका इंटरेस्ट उन चीज़ों को शेयर करने में मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके बहुत एग्जॉस्टेड रह रहे होंगे आजकल, तो बस आप देखोगे कि वर्क लाइफ में ही ये अपने काम को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, इसलिए सुपर एग्जॉस्टेड रहने के बावजूद भी अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेशन है। मगर वैसे से अगर आप इनको जानते हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत फिजिकल एग्जॉशन का कंप्लेन करते होंगे, मतलब कि फिजिकल जिसको कहते हैं ना थक जाना, बार बार थके रहने की एनर्जी पे ये पर्सन कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं। ओके तो इज समथिंग लाइक दिस, एक बेटर फ्यूचर की प्लानिंग ये पर्सन कर रहे हैं। ओके और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने चीज़ों को इंक्रीज भी करें, अपने लर्निंग्स को इंक्रीज भी करें। ओके तो ये सारी चीज़ों को की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ऑफकोर्स अभी तो नहीं बट हाँ जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको ये जब चेंज कर लेंगे तो इनकी बहुत सारी विशेज फुलफिल होंगी, इनके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, सेटिस्फैक्शन आएगा और ऑफकोर्स वो हैप्पीनेस और वो सेटिस्फैक्शन आपके रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके तो यहाँ पे दो ओरेकल कार्ड्स हैं हमारे पास, एक है लेडी नादा विच इज़ हार्ट अवेकनिंग एंड दूसरा है महाअवतार बाबा जी विच इज़ सोल एक्सपेंशन। ओके एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि हो सकता है ये अभी प्रेजेंटली कुछ टाइम में चीज़ों में एक्सपेंशन के लिए लुक फॉरवर्ड करें, चाहे वो अपने स्किल्स को लेकर के हों या और चीज़ों को लेकर के हों। ओके तो अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ओके तो ये मैसेज आपके लिए भी है, उनके लिए भी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप प्रॉपरली चले तो एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की भी कोशिश यहाँ पे करनी पड़ेगी। बिना बैलेंस बनाए चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। दूसरा है तो दूसरी जो बात है वो है सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स। तो सी ये मैसेजेस मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज तो ऑफकोर्स आप दोनों के लिए है कि आप दोनों को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो या एक हेल्दी कंट्रोल नहीं है रिलेशनशिप पे तो प्रॉब्लम आएगी। मगर ये दूसरा मैसेज इंटीट्यूबली मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आपके लिए है कि अब आपका सोल जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, आपके समझने की क्षमता एक्सपैंड कर रही है और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसका कनेक्शन भी आपको समझ आ रहा है। ओके अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे तो अभी उसको फिर से लुक फॉरवर्ड शुरू करना शुरू कीजिए, फिर से देखना शुरू कीजिए कि व्हाट इट इज़, मेरे जानने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं और उन पर आपको फोकस करना चाहिए। ओके तो ये एक एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है जो मैंने आपको बताई है। तो आई होप वाइट पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नमस्ते और अपना ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओके सो जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है ऑरेंज पाइल के लिए। ओके तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो ऑरेंज पाइल पीपल वेलकम। ओके सो आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। ओके आई डोंट नो, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही ही है वो ये है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। ओके और आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ से कि ये पर्सन आपके साथ रह भी नहीं सकता और ये पर्सन आपको जाने भी नहीं दे रहा। ओके तो जहाँ पे लाइक इस टाइप के रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर किसी पर्सन के पार्टनर मैरिड हैं या समथिंग लाइक दैट, तो आप उस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली रह भी नहीं सकते हो और आप ऐसा फंसे हो कि यहाँ से निकल भी नहीं सकते हो। ओके
तो ये जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे कहीं ना कहीं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली अपोज कर देती हैं कि नहीं आप इस पर्सन से शादी नहीं करेंगे या आप इस पर्सन के साथ नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने प्यार की कुर्बानी भी नहीं दे पाते हैं ना ही अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाते हैं। तो ये होता है फंसे होना, मतलब स्टक हो जाना किसी चीज़ में। तो अभी जो मुझे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग नज़र आ रही है वो है लैक ऑफ सिलेक्शन। रास्ता कौन सा चुनना है यही नहीं पता है उनको। ओके, रास्ता ए चुनना है, रास्ता बी चुनना है। एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो चीज़ होती है कि हाँ आप एक रिलेशनशिप में हो, उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, उसके लिए आप में करेज है कि हाँ आप स्टैंड ले सकते हो, अपनी चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ आपके पार्टनर में पूरे तरीके से मिसिंग है। ओके, इनको आपको हमेशा पुश करना पड़ेगा, जाओ काम करो, जाओ मेरे लिए स्टैंड लो। ओके, मतलब फैमिली को बोलो। इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो खुद जाके अपने फैमिली को बोल सकें, ओके, या खुद जाके कोई डिसीजन कॉन्क्रीट ले सकें। बट मैं आपको एक चीज़ और भी बताती हूँ, हाँ इस पर्सन के करेंट एनर्जी में ये चीज़ नहीं है, मगर जब ये पर्सन अपने लाइफ में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके अंदर एक एनर्जी आती जाएगी जो इनको पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट बनाएगी और अपने ऊपर काउंट करना सिखाएगी। ओके, ये चीज़ अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, इनके करेंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो कि है रिग्रेट की एनर्जी, दुखी पर्सन। ओके, तो अभी कहीं ना कहीं ये अपने माइंड से, अपने आप से बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे होंगे, काफ़ी पेनफुल टाइप की इनके अंदर फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, आपसे भी बात करेंगे तो हो सकता है काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव तरीके से बात करेंगे, मुझसे क्या ही बात करोगे या क्या ही बात करोगे। ओके, तो जो एक पर्सन काफ़ी एम्बिशियस और काफ़ी चीज़ों के पीछे भागने वाला हुआ करता था, काफ़ी डिस्कशन करने वाला पर्सन हुआ करता था, वो पर्सन आज के डेट में लोनलीनेस की एनर्जी में बंद कर रहे हैं। ओके, तो आपके लिए इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, मगर आपको रखने की हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर। ओके, तो इनके अंदर आपको रखने की हिम्मत नहीं है। ओके, इनका वर्क लाइफ भी उतना ज़्यादा अमेजिंग तरीके से सेट नहीं है जो इनके एम्बिशंस हैं। एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक फियर ये भी रहता है कि अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दिया तो मेरे और एग्जिस्टिंग प्लान्स का क्या होगा। लेकिन देखिए, ये तो एक बहुत सेकेंडरी रीज़न है, सबसे मेजर रीज़न है कि लैक ऑफ करेज, करेज की बहुत ज़्यादा कमी है। ओके, अभी कहीं ना कहीं आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये भी जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि वो हिम्मती पर्सन नहीं है, वो आपने देख देख के ऑब्जर्व करा होगा, ये चीज़ आपने बात कर करके या एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर करके ऑब्जर्व करा होगा, बहुत टाइम आपने इन पर ऑब्जर्वेशन रखा होगा, ऑब्जर्व करके देखा होगा कि हाँ ये पर्सन है क्या, कर क्या रहा है, ओके, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे सेटअप में है। ओके, अच्छे सेटअप यानी एक कंफर्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, तो उनको ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक जो गो गेटर टाइप की एनर्जी होती है ना, वो चीज़ भी उनके अंदर नहीं है, वो चीज़ भी एब्सेंट है, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी। ये चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि व्हाट इज़ दिस, ये अभी से तो टाइम नहीं है ना उनके लाइक सेटलिंग विथ वट एवर दे हैव वाली टाइम वाला टाइम। ओके, नाउ एक चीज़ और है, इस पर्सन की करंट एनर्जीज में आपके लिए डिवाइडेड ओपिनियंस है। ओके, ना ये, मैंने आपको पहले भी बोला, ना ये ए के साथ है ना ये बी के साथ है, ना ये कंफर्टेबल है ना ही ये अनकंफर्टेबल है। ओके, ये बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, मेजर टॉपिक्स पे इनका ध्यान नहीं रहता है, इनके ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं लेकिन उनको पूरा करना इनके लिए पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत सारे केसेस में यहाँ पे फैमिली रिस्ट्रिक्शन भी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी, या ये पर्सन बहुत कम एज से, ओके, बहुत कम एज से, लाइक 18-19 साल की एज से वर्क कर रहे होंगे और उसके वजह से अब एग्जॉस्ट होके ये वर्क नहीं करना चाहते होंगे, इनको ऐसा लगता होगा कि नहीं अब मेरे से काम नहीं होगा। ओके, और कहीं ना कहीं वर्क करके और काफ़ी अच्छा इन्होंने गेन किया है, लेकिन आज भी जो सपना है, ओके, जैसी चीज़ें चाहिए
वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को नहीं मिल पा रही हैं, नहीं हो पा रहा है। ओके, और इसलिए कभी कभी एकदम शांति के लिए ये सबसे थोड़ा कम बात करके अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। वफादार लोग भी हैं इस पर्सन के लाइफ में, और अगर आपके लिए इनकी फीलिंग पूछी जाए तो ये पर्सन देखिए आपसे बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, आने वाले टाइम में ये ज़रूर बात करेंगे। ओके, पूरी दुनिया इन्हें ऐसा फील कराती होगी जैसे कि ये काफ़ी कावट टाइप के हैं, काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं ना डरपोक टाइप के हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन्हें कभी ऐसा ना फील कराएं कि ये एक कमज़ोर पर्सन है या एक वीक एनर्जी पे रन करने वाले पर्सन है, क्योंकि इससे वो टूट जाएंगे। ओके, और आपके लिए इस पर्सन के अंदर एक और एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा हो अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए वेट तो कर रहे हैं और यही रीज़न है कि ये आपको जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, और ये अपने मजबूरियां आपको बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज पर्पस। तो आपका जो पर्पस है रिलेशनशिप का, हैप्पीनेस, वो आपको मिल जाएगी। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, तो ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, ये गाइडेंस किसी फ्रेंड से, टैरो कार्ड रीडर से, किसी से भी मिल सकती है। ओके, या आपको डिवाइन के थ्रू मैसेजेस, ड्रीम्स, इन सारी चीज़ों से, या रिपीटेटिव नंबर्स, इन सारी चीज़ों से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन इस पूरे सिचुएशन में वर्क कर रहा है। ओके, डिवाइन एनर्जीज इस पूरे सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं एंड ऑफकोर्स इस पूरे सिचुएशन को करेक्ट करने में सक्सेसफुल भी रहेंगे। सो नेक्स्ट वन इज टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता हैं कि आपको पता होंगी और वो आपको किसी ना किसी पर्सन से शेयर करनी चाहिए। जैसे ये वाली एनर्जी, अगर किसी, यहाँ पे जो रीडिंग हो रही है इसमें किसी किसी लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, उनके पार्टनर जो हैं वो फ्लर्टी हैं। ओके, या उन किसी किसी को लगता होगा कि उनके पार्टनर जो हैं वो उनका वेट कर रहे हैं। तो बोथ दी वेज, आपको जो भी लगता है आपको अपने इनर कॉल को फॉलो करना चाहिए, आपको कोई भी चीज़ रोक ना सके। ओके, कोई भी चीज़, एनीथिंग जो आपको लगता है, जो आपकी इनर फीलिंग है, उस पर आप विश्वास करें, भरोसा करें और उस भरोसे के साथ आगे बढ़ें, चीज़ें आपके लिए करेक्ट रहेंगी, ख़राब नहीं रहेंगे। ओके, एंड इट्स अ काइंड ऑफ कपल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आप लोग काफ़ी एक यंग कपल होंगे, एक काफ़ी डेडिकेटेड कपल होंगे, बहुत लव वाला सिचुएशन और काफ़ी पीसफुल लव वाला सिचुएशन रहा है। बट हाँ, आप दोनों के बीच में मेजर इश्यूज, मेजर मैटर्स हमेशा से रहे हैं। ओके, हमेशा से वो चीज़ें रही हैं जिसमें और लोगों ने कभी ना कभी आपके रिलेशनशिप में एंट्री मारी है, जिसके वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी नहीं चल पाई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखो तो ये फैमिली या फ्रेंड्स की एनर्जी है, लोगों ने अननेसेसरली चीज़ें बिगाड़ी हैं और उसके बाद आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाए हो, वो भी अपने लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, और यही रीज़न है कि आज तक ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बना हुआ है, चाहे वो दुख में हो या सुख में हो। बट हाँ, एक दूसरे के साथ रहने पे आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन है जो मेरे लिए है, शायद ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, इस टाइप का कोई पर्सन है और ये कभी मुझे काइंड ऑफ छोड़ के नहीं जाएगा। ओके, चाहे जो आपकी वो एक इनर बिलीफ है कि ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ऑरेंज फायर पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अगर आपको ये रीडिंग आई है पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। नमस्ते। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं जो कि है ऑरेंज पिंक पाइल के लिए। ओके, तो ये आ गया हमारा पिंक पाइल और देखते हैं कि पिंक पाइल के लिए चीज़ें क्या आती हैं। ओके, सो पिंक पाइल पीपल, आपके कार्ड्स आपके नज़रों के सामने हैं। ओके, देखिए आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, ओके, उनकी करंट फीलिंग्स अगर आपके लिए देखी जाएं, तो एनीवेज आपका जो फीमेल साइड होगा उस पर्सन का रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा इन कंपैरिजन टू द मेल साइड। आप दोनों के बीच में एक चीज़ आ जाती है,
और वो ये कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप एक दूसरे के जैसे हो, आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो, आप एक दूसरे के लिए केयर करते हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हो। सारी चीज़ें हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जीज पे ये चीज़ें रन कर रही हैं। एक डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मीटिंग हुई, आपकी मीटिंग अपने आप में काफ़ी अलग और यूनिक किस्म की थी। बहुत टाइम पे लोग आपके रिलेशनशिप में आने की कोशिश भी करे होंगे, लेकिन वो कभी आ नहीं पाए। अब इस रिलेशनशिप ने आइडियली देखा जाए तो या तो दोनों ही रिलेशनशिप को अच्छे से म्यूचुअली कंट्रोल करते थे, या तो कोई भी नहीं करता था। ये किसी एक पर्सन के एनर्जी पे नहीं चल रहा था ये रिलेशनशिप, ये दोनों की एनर्जी पे चल रहा था। तो ये पर्सन जो जिसके बारे में आपने सोचा है यहाँ पे, वो पर्सन कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में काफ़ी पेन और काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। काफ़ी पेन, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस पर्सन की तबीयत ख़राब हो, इनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो, या इनके फैमिली में किसी इम्पोर्टेंट पर्सन की तबीयत ख़राब हो, तो ये उन सारे काफ़ी टेंशनों से जुड़े घिरे हुए हैं। और इसी वजह से आपके लिए इमोशंस होते हुए भी ये पर्सन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात है, कोई आपके पार्टनर पे बहुत बुरी तरीके से नज़र रखता है। मतलब कोई उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश, या हाँ वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे, क्या करना चाहते हैं, या ओवर वर्क कराना इस टाइप के लोगों से। जैसे उनके बॉस उनसे, हो सकता है अगर 4 घंटे का काम हो तो वो उनको 8 घंटे तक काम करवाएं, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं। और ये कहीं ना कहीं पास्ट के इन्फ्लुएंस से मुझे नज़र आ रहा है। ये इंस्टेंट अभी से नहीं हुआ है, ये काफ़ी समय से होता आ रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ बढ़ना तो चाहता है, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ना नहीं चाहते आपके साथ, आपसे बात नहीं करना चाहते, या आपके साथ हैप्पी नहीं रहते हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके साथ काफ़ी हैप्पी रहता है, अपने आप को सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, अच्छा, सिक्योर महसूस करता है। बट अभी इनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी टेंशन है, काफ़ी टेंशन। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये एकदम होपलेस हो चुके हैं। इस टाइप के सिचुएशन में लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है, लोगों के पार्टनर्स धोखा दे देते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है। घर में बहुत मेजर लड़ाइयाँ होना, इन सारी चीज़ों की एनर्जी पे एक पर्सन रन करता है। जब वो होपलेस हो जाता है, जब उसको खुद की दिशा, खुद कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, इन चीज़ों का देखने की जो एनर्जी होती है या कैपेसिटी होती है, वो ख़त्म हो जाता है। ऑफ कोर्स ग्रोइंग पर्सन है बाय नेचर, और आगे भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे आगे आने वाले टाइम में भी बात करना चाहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेंगे। अब उसी में क्या है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहे, मगर कोई इनको रोक दे, कोई उनको स्टॉप कर दे, कोई इनके लाइफ को कंट्रोल कर ले। वो हो सकता है वो पर्सन इनके काफ़ी सपोर्ट में हो, काफ़ी समय से वो इस पर्सन को जानते हो, ये इन पर्सन इनका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जो बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव दिखाते तो हैं, ब्राइट दिखाते तो हैं, मगर ये ब्राइट ब्राइट दिखा करके कहीं ना कहीं गलत चीज़ें करते हैं। और काफ़ी जिसको कहते हैं ना, अडेप्टेबल हैं बाय नेचर। जो पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है वो काफ़ी अडेप्टेबल है, लेकिन एक्चुअली ये पर्सन काफ़ी टफ होगा। काफ़ी मिस्टीरियसली ये पर्सन अपना काम कर रहा है, तो आपको फाइंड आउट करने में भी दिक्कत होगी। फीमेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू मैन। और दूसरी बात ये कि आप इनके ट्रिक्स नहीं खोज सकते कि ये किस कौन पर्सन है जो इन पे नज़र रख रहा है, जो इनको रोक रहा है। तो ये पर्सन को खोजना आपके लिए काफ़ी मुश्किल। आपके पास डाउट्स हैं, आपके पास नाम भी है, मगर मतलब बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सब कुछ के पास तो नहीं भी होंगे, मगर जिनके पास है भी ना, वो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। और उन लोगों को भी लगता है कि आफ्टर ऑल उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप अचानक से ख़त्म कैसे हो गया। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है वो गॉड फियरिंग पर्सन है। और दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स लॉर्ड गणेश और लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है। तो एक और चीज़ है कि इनके घर में जो भी हेल्थ के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। हाँ,
हाँ आने वाले टाइम में विद द डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ गॉड वो चीज़ें काफ़ी सॉल्व हो जाएंगी, ऑब्स्टैकल्स ख़त्म हो जाएंगी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन का बढ़ेगा. ओके दूसरा जो हमारे पास दूसरा जो कार्ड है लॉर्ड शिवा का कार्ड है और वो उनके कार्ड के अकॉर्डिंग राइज अप ऑनर योर इनर फोर स्टेप्स आर बीइंग गिवन डांस विद द यूनिवर्स. तो कहीं ना कहीं जो इनकी स्टक एनर्जी है, रुकी हुई एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहने के बावजूद भी कनेक्टेड नहीं रह पा रहा है, तो वहाँ से वो जो चीज़ हो रही है उसी चीज़ के वजह से ये कार्ड एक गाइडेंस मैसेज आपके पर्सन के लिए लेके आया है. ओके आपके लिए लेकर के आया है ये पर्सन. थोड़ा इस पर्सन को अपने मूड को कंट्रोल में रखना होगा और यकीन करना होगा, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा, अपने फैमिली के हेल्थ का ख्याल रखना होगा. और जो करंट फीलिंग्स इस पर्सन की आ रही हैं उसमें अगर ये पर्सन प्रॉपरली लॉजिकली चीज़ों को सोच के नहीं करता है या चीज़ों को देख के नहीं चलता है तो ये प्रॉब्लम में चले जाएंगे. करेंट फीलिंग ऑफकोर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आने वाले समय में कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो इट्स गुड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने साइड से भी इनके लिए अवेलेबल रहें. और दूसरे लोग जो आपके रिश्तों में घुसना चाहते हैं उनसे आप डरे ना. ओके उनको प्रॉपरली आपको बस एक ही चीज़ याद रखना कि ये रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का है. दूसरे पर्सन के एंटर करने या नहीं करने से आपके मूड को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आपके मूड को फ़र्क पड़ेगा आप अपने पार्टनर से नहीं कनेक्ट कर पाओगे, जब आप अपने पार्टनर से नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो फिर ये पूरा सिचुएशन ख़राब हो जाएगा. रिलेशनशिप में अभी किसी भी टाइप की लड़ाई बहस ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रखना है, लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड शिवा की पूजा करनी है. ओके ताकि ये पर्सन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ईजिली आपसे कनेक्ट कर जाए. और कहीं ना कहीं आपको अब स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको अपने साइड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. अगर आप अपने साइड से कनेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो प्रेयर्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए सो दैट आपको भी डिवाइन की ब्लेसिंग जल्दी से जल्दी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइफ को पॉजिटिवली इफेक्ट करें. तो पिंक पाइल पीपल आपकी रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट. आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद. अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑफकोर्स आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए. ओके तो ठीक है अब मैं चलती हूँ. नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड टेक केयर.